हमने के परेशानी बजे गरीब के कोई ना के पूछो तो धनी के घर बता, धनी के घर बनता, गरीब के पूछ के घर बता, ओकरे घर नहीं के मिलत। सिविल कोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण जो है वह हो चुका है, लेकिन अभी बनना शुरू नहीं हो पाया है। जो गाड़ी जो जैसे 2000 में आना चाहिए उसको मतलब 20-20 हज़ार रुपये में हम लोग इकट्ठा करके हम लोग कैसे भी करके मैनेज करके मकान मालिक से उधार लेके हम जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ से पैसे लेके कैसे भी मैनेज करके हम लोग घर तक पहुँच जाता। तो मैं JNU का प्रोडक्ट हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज मुझे बैंगलोर में रहना पड़ता है और वहाँ जॉब करना पड़ रहा है पिछले 7 साल से। अगर मुझे अपने वहाँ ही कोई रोज़गार मिल जाता तो मुझे यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर बैंगलोर जाके जॉब नहीं करना होता। आप जब वोट देने जाएंगे दिमाग में क्या रहेंगे, क्या ख्यालात रहेंगे दिमाग में, क्या सोच के जाएंगे वोट देने? बार की ऐसी समस्या थी कि कोई ये गिलास पानी देने वाला नहीं था, तड़प तड़प के जनता मरता था। फेरा लगाते हैं तो उसके बाद में कोई आता है तो कहता है हमको इतना पैसा चाहिए, अगर चंदा वाला आता है तो कोई भी किसी तरह का चंदा काटता है तो जबरदस्ती चंदा भी काटता है। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर, जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज और मैं हूं रणधीर कुमार। HTV न्यूज की चुनावी एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच चुकी है अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अरेराज के पास। आपको बता दें कि ये गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गोविंदगंज विधानसभा से भाजपा से हैं सुनील मणि तिवारी, महागठबंधन से ब्रजेश पांडे, लोजपा से राजू तिवारी के साथ कुल 12 प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। और यहाँ की जो जनता है उनकी क्या राय है, किस तरह के विधायक चाहते हैं यहाँ के जनता, आइए उनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। असलम जी, किस तरह के विधायक चाह रहे हैं आप लोग गोविंदगंज विधानसभा से? हम चाह रहे हैं कि सबको देख रेख करे, दुख मुसीबत में काम आए, यही चाह रहे हैं बस। ये बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम तो कांग्रेस की चाहते हैं जी। तो यानी महागठबंधन में कांग्रेस है तो कांग्रेस महागठबंधन की सरकार चाहते हैं आप? अब सरकार देखिए, पहले से महंगाई अभी कितना ज़्यादा है जो है, अभी प्याज देखिए 60-70 रुपये किलो बिक रहा है, आलू इतना महंगाई है, अभी इतना कोरोना महामारी में ये हालात चल रहा है, तो फिर देश को आगे क्या होगा? हमारा देश बहुत पिछड़ा होते जा रहा है, यही बात है। महंगाई आपका मुद्दा है जी? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, पहले के प्रति अभी महंगाई इतना ज़्यादा हो गया कि कोई हिसाब नहीं है। देखिए, मान लीजिए हम लोग एक लेबर क्लास का आदमी है, अगर इतना महंगाई में ये बैंगन कोई नहीं पूछता है, वो 40-50 रुपये बिक रही है, जीवनी घिवड़ा कोई नहीं पूछता है, वो 40-50 रुपये बिक रही है। अगर मान लीजिए किसी गरीब के पास पैसा नहीं, वो लेबर क्लास का आदमी है, सोनी रोपनी करता है, उसके पास 4-5 बच्चा है, वो कहाँ से खरीदेगा, कैसे कमाएगा, कैसे वो अपना परवरिश करेगा, ये बात है। यानी महंगाई आपका मेन मुद्दा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनवर आलम। अनवर जी, किस तरह की समस्याएं दिखती हैं आपको अरेराज क्षेत्र में? अरेराज क्षेत्र में सारे समस्याएं ठीक है सर, हम यही चाहते हैं महंगाई घटाई जाए और इस पर मुद्दा उठाई जाए बस। विधायक में राजू जी है, राजू तिवारी, उन्हीं को विधायक हम मान लें। और भी कुछ लोग हैं, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, नितेश कुमार द्विवेदी, मैं रामपुरवा से बिलोंग करता हूँ। और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा था नितेश जी, यहाँ जो अरेराज है यहाँ की मुख्य समस्या आपको क्या लगती है? सर, ये अरेराज की ही बात नहीं है, पूरे स्टेट की बात में अगर आप करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की स्कार्सिटी है, जिसके चलते आज हम जो युवा हैं उनका जो माइग्रेशन हो रहा है अदर स्टेट में हो रहा है। जैसे मैं ही अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं JNU का प्रोडक्ट हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज मुझे बैंगलोर में रहना पड़ता है और वहाँ जॉब करना पड़ रहा है पिछले 7 साल से। अगर मुझे अपने वहाँ ही कोई रोज़गार मिल जाता तो मुझे यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर बैंगलोर जाके जॉब नहीं करना होता। तो ऑब्वियस है कि मैं ऐसी गवर्नमेंट, इतने सारे लोगों को हम लोगों ने अब तक देखा, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों पे कभी केयर कराई नहीं। क्राइम हुआ, करप्शन हुआ, ये सारी चीज़ें आम बात, ऐसे लगता है जैसे हमारे ब्लड में ही मतलब बिल्कुल मिक्स हो चुका है और हम लोग बियर करते जा रहे हैं, कब तक चलेगा आखिर में?
अदर स्टेट में जाओ आप, मैं बैंगलोर में ही रहता हूँ, वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं कुछ भी अच्छा करते हैं तो वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो लोग सीधे बोलते हैं कि बाहर वाला है। तो इससे क्या होता है, एक तो हम लोग जो है वो डिस्करेज भी हो रहे हैं, अपने स्टेट में कुछ मिलता नहीं है, इसके चलते ऑब्वियस है कि हमें बाहर रहना ही है। तो यही है कि जो गवर्नमेंट बने एटलीस्ट क्राइम, करप्शन या फिर नई अपॉर्चुनिटी, इन सारी चीज़ों को मुद्दा बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अपने वहाँ, इवन रोड देखो आप आजकल तो मतलब ये 4 लेन वगैरह हो गया है, थोड़ा पहले से सिचुएशन कंपैरेटिवली बहुत सही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत पीछे हैं हम लोग। और ऐसे में हमें ऐसे गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड का हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हर चीज़ जो है वो मतलब एक नए एज में जा रही है, उसमें कदम से कदम मिला के चले। अगर ज़रूरत हो तो हम युवाओं को, हम युवाओं से डिस्कस करें, उससे राय ले, हम लोग अपनी ओपिनियन देंगे। अच्छा, कौन है आपको मतलब कौन किसके अंदर देखते हैं वो दम की जो इन सब चीज़ों को सुधार सके? सर अब तक हम लोगों ने सबको देख लिया है, ऑलमोस्ट सारे पार्टियों को, बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जहाँ से चले थे वहीं पर हैं आज भी। तो ऐसे में अगर कोई न्यू फेस आ रहा है तो हम चाहेंगे यही कि हाँ किसी नए आदमी को एक चांस दिया जाए। मे भी हो सकता है कि क्या पता दिल्ली वाली सिचुएशन आ जाए, और जो सिचुएशन आज दिल्ली वाले लोग हैं फेस कर रहे हैं कुछ चेंज हम लोगों को भी मिले। तो ऑब्वियस है कि कोई नया फेस अगर आए नया तो चेहरा चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रकाश तिवारी है। प्रकाश जी, जब आप वोट देने जाएंगे तो मन में क्या रहेंगे, क्या ख्याल रहेंगे मन में, क्या सोच के आप वोट देने जाएंगे? देखिए वोट देने की जहाँ तक बात है तो 15 साल बनाम 15 साल, पिछले 15 साल में राज्य की क्या स्थिति है वो आपको भी भली भांति पता है। रोड की हो गई, शिक्षा की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, अपराध नियंत्रण की व्यवस्था हो गई। शिक्षा की आप बात करेंगे तो कॉलेजों की जितनी नए नए कॉलेज क्षेत्र में आए हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और जो सामने की पार्टी है वो पिछले 15 सालों का जो उनका आंकड़ा है उसको देखा जाएगा। अगर हम उनको वोट करते हैं जो पिछले 15 साल में यहाँ पे रोड नहीं था, आदमी घर से निकलने के पहले 25 बार सोचते थे, अपराध का पैराग्राफ एकदम उच्च स्तर पर था, कोई व्यवसायी यहाँ पर अपना व्यवसाय नहीं डालना चाहता था। तो वोट में सबसे बड़ा मुद्दा है 15 साल बनाम 15 साल। दूसरा जो मुद्दा होगा वो होगा परिवारवाद का। परिवारवाद का देखिए आप, तेजस्वी जी की जो पार्टी है राजद, उनके घर का हर सदस्य, उनके मामा जी, ये लोग भी पहले सक्रिय थे, कुछ विवाद के कारण ये लोग अलग हो गए। तो परिवारवाद जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय चिराग पासवान जी जो अभी NDA से अलग हो गए, इनके पूरे परिवार में देखिए कोई MLA है, कोई MLC है, हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं, मंत्री बनने की बात जब आई मीडिया में भी ये फ्लैश हो गया कि हमारे माननीय विधायक को मंत्री बनाया जाएगा, तो उस समय परिवार को तवज्जो देके इनको मंत्री नहीं बनाया गया। चिराग पासवान के परिवार से किसी व्यक्ति को MLC मनोनीत करके मंत्रालय का पोस्ट दिया गया। तो मुद्दा ये भी है कि क्या उस व्यक्ति को राजनीति में लाया जाए जो सिर्फ परिवार के लिए सोचता हो। बात तो आप दलित की करते हैं, लेकिन बात जब आती है सीट की और जब बात आती है मंत्रालय की तो उस समय आप परिवार को तवज्जो देते हैं। तो विकास और परिवारवाद इस देश में और इस राज्य में बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे लोगों को जनता बिल्कुल नहीं चुनेगी, चाहे वो किसी समुदाय से आते हों जो बात परिवारवाद की करते हों। और उनके सानिध्य में जो भी प्रत्याशी हैं जो उस टिकट से हैं, तो उनके जीत के जाने के बाद यहाँ कुछ होना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो भाई हाईकमान कोई और बैठा है, सारा कुछ चलेगा उनके हिसाब से। तो इसलिए परिवारवाद और विकास ये दो मुद्दा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, अगर आपको पता हो कि पूरे भारत में रिकवरी रेट हमने जितने तेज़ी से यहाँ पे क्रिएट किया वो पूरा रिकवरी रेट इंडिया में टॉप पे रहा। गरीबों को अनाज, राशन, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बाहर में जो भी प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, मैं प्रवासी उनको बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि भारत में किसी भी कोने में आप जाते हैं तो आपको प्रवासी बोलना एक मतलब अपमानजनक शब्द होगा, क्योंकि पूरा भारत हमारा है। तो भारत के किसी भी कोने में हम मैंने बेहतर अवसर के ये जा सकते हैं। हमारे यहाँ भी बंगाली हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं और स्टेट के लोग हमारे यहाँ भी काम करते हैं। तो ये जाने आने का दौर निरंतर जारी रहता है। सूबे में किसकी सरकार चाहते हैं आप? सूबे में उसी की सरकार बनेगी जिसने यहाँ विकास किया है, जिसने यहाँ अपराध को नियंत्रण किया है, गरीबों को भोजन दिया है, हर जाति के लोगों को आवाज़ दी है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सोनू। आप जब वोट देने जाएंगे दिमाग में क्या रहेंगे, क्या ख्यालात रहेंगे दिमाग में, क्या सोच के जाएंगे वोट देने?
मैं समझ नहीं पाया, क्या राजू तिवारी जी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा काम करते हैं। चलिए अच्छा जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेंद्र ठाकुर, अधिवक्ता हैं। अच्छा, आप जब वोट देने जाएंगे क्या ख्याल रहेंगे मन में, यहाँ के विकास के बारे में क्या कहना है आपका? विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। क्या क्या कमी रह गई है? कमी रह गई है, नाला का निर्माण नहीं हो पाया है, जल जमाव की समस्या यहाँ पर ज़्यादा होती है, सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है, आए दिन दुर्घटना होती है, यही समस्या है। सिविल कोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण जो है वह हो चुका है, लेकिन अभी बनना शुरू नहीं हो पाया है, कुछ समस्या है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से किनको विधायक बनाना चाहेंगे जो इस समस्या का निदान कर दे? माने जो आदमी हमारे पक्ष में काम करे, जो हमारी विकास के रफ्तार को बढ़ा सके, उन्हीं को हम वोट देंगे। अच्छा, आप एक अधिवक्ता हैं, सूबे में किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, पुनः बने। हाँ, पुनः बने। एनडीए की सरकार चाहते हैं कि पुनः बने। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कहाँ से हैं आप? हम गोविंदगंज थाना से हैं। गोविंदगंज थाने से कुछ समस्या दिखती है आपको यहाँ पे, क्या कमी है? समस्या तो बहुत कमी है, बताइए। यहाँ न किसी जनता का सुविधा है, न किसी जनता को राशन सही से ढंग से मिल रहा है, न किसी जनता को रहने का समस्या मिल रहा है। अच्छा, बाढ़ के दिनों में किस तरह की समस्या आई थी आप लोगों के समक्ष? बाढ़ की ऐसी समस्या थी कि कोई ये गिलास पानी देने वाला नहीं था, तड़प तड़प के जनता मरता था। हाँ, यही समस्या है। तो क्या चाहते हैं? अभी चुनाव आ गया है, चुनाव में समझ दिया जाएगा कांग्रेस को, दिया जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? भरोसी कुमार। भरोसी जी, इस बार वोट देने जाएंगे, मन में क्या ख्याल रहेगा? महागठबंधन के देंगे। क्या खूबियाँ दिख रही है आपको महागठबंधन में? आप अभी 5 साल नीतीश कुमार जी थे, अभी बाढ़ की समस्या से जो जनता झूली, देखे देखबे किए, तिरपाल टांग टांग के, और जो तिरपाल अगर सरकार के तरफ से मिला उसमें भी कटौती किया लो, यहाँ का जो मैंने जो विधायक से जो भी हो उनको देखना चाहिए, इस चीज़ को जानना चाहिए, जितना जनता को इधर पुल टूटा, चाहे बहुत सारा समस्या है, अब किस चीज़ को समस्या का? बिहार में तो देखबे करते युवा दल कितना है, कि कितना प्रॉब्लम से झूल रहा है, ना नौकरी, ना रोजगार, ना खाना, ना बहुत सारा। हमारे और आपके बीच में रहने से समस्या नहीं हो सकता, आप जाइए जनता के बीच, जहाँ बाढ़ समस्या वहाँ जाके देखिए कितना कष्ट, कितना तकलीफ है, समझ रहे हैं बात को? तो जहाँ जिस, अब तो हम 5 साल नीतीश कुमार को देख चुके, अभी महागठबंधन का है, इनको भी देखेंगे, जो हमारी समस्या को समझेंगे उसी को हम वोट देंगे। यानी आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जुल्फकार अंसारी है। जुल्फकार जी, किस तरह की समस्या दिखती है आपको? नहीं देखिए, समस्या तो है, कहने मतलब ये है कि अभी फॉर एग्जांपल जैसे अगर अभी अभी तो नेता लोग का सीजन चल रहा है, नेता जी लोग बराबर एकदम कंटिन्यू वो लोग आ रहा है, अपना अपना जो भी बात वो लोग बता रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यही सारी मतलब वो लोग उस टाइम कहाँ होते हैं जब हम लोग मतलब परेशानी से जूझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दिल्ली में फंसे हुए थे, दिल्ली में और सारा स्टेट जितने भी स्टेट था सब सब मतलब सबसे लेटेस्ट स्टेप हमारे बिहार गवर्नमेंट ने लिया, सबसे लेटेस्ट। आपको पता होगा जब कुछ लोग, जब एक तो गवर्नमेंट कुछ इंतजाम नहीं किया, दूसरी बात ये कि हम लोग किसी न किसी तरह इंतजाम अपना करके मतलब जो गाड़ी जो जैसे 2000 में आना चाहिए उसको मतलब 20-20 हज़ार रुपये मतलब इकट्ठा करके हम लोग कैसे भी करके मैनेज करके मकान मालिक से उधार लेके, हम जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ से पैसे लेके कैसे भी मैनेज करके हम लोग घर तक पहुँचा था। हम लोग जब घर पर पहुँचे तो हम लोग अपने बॉर्डर पर रोक दिया गया कि नहीं आप आ नहीं सकते हैं। झारखंड सरकार सबसे पहला स्टेप उठाया जिस दिन मतलब बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार जिस दिन बोले कि हाँ नहीं मतलब हम रेल का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, उसी दिन मतलब झारखंड सरकार पहला ट्रेन चलवाती है साउथ इंडिया से और यहाँ पे पहुँचती है, उसके बाद मतलब ये स्टेप लेना शुरू करते हैं। तो हमारे कहना मतलब ये है कि आप दूसरे किसी को देख लेंगे स्टेप क्यों लेते हैं? आप ये काम पहले भी कर सकते थे, जिस समय कोटा में बच्चे फंसे हुए थे, जितने भी लोग फंसे हुए थे वहाँ पे दूसरी जो आपके विपक्ष में जो पार्टी है वो इंतजाम करती है बस को लाने के लिए, लेकिन आप सत्ता में होते हुए भी नहीं आप नहीं कर सके। देखिए, मेरा जहाँ तक अपना सोच है मतलब जो मेरा व्यक्तिगत राय है कि अगर आपसे हमको कुछ काम लेना है फ्यूचर में भी तो आपको एक बार हटाना जरूरी है, क्योंकि आप काफ़ी दिन से मतलब बने हुए हैं जिसको बोलते हैं ना एंटी इनकम्बेंसी, इसके लिए आपसे अगर फ्यूचर में भी काम लेना है तो उसके लिए आपको कम से कम एक बार सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, ताकि आप समझिए कि हाँ अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको साइड भी किया जा सकता है। यानी आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, तो हम महागठबंधन के साथ जाना चाहेंगे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? उमेश नाम है। उमेश जी, किस तरह की समस्या दिखती है आपको अरेराज में? हम बाहर के रहने वाला हैं। हमारे कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुगौली के। सुगौली में भी चुनाव है, क्या चाहते हैं? हमारी समस्या क्या है आपके यहाँ की?
अब हम वहाँ गए नहीं तो क्या समस्या बता। गाँव है आपका, जान तो रही होंगे। जानते हैं, बाकी अब घर के लोग जानते होंगे। आपका शुभ नाम क्या है जी? हमारा कृष्ण कुमार। आपको यहाँ जो अरेराज के रहने वाले हैं जी, किस तरह की परेशानियाँ होती हैं आपको अरेराज में? जी अरेराज में बहुत सब परेशानियाँ है, मगर अरेराज में जैसे ठेला लगा रहे हैं तो इसमें जबरदस्ती भी करता है लोग। अच्छा जी, ठेला लगाते हैं तो उसके बाद में कोई आता है तो कहता है हमको इतना पैसा चाहिए, और चंदा वाला आता है तो कोई भी किसी तरह का चंदा काटता है तो जबरदस्ती चंदा भी काटता है। कौड़ीदार भी 10 रुपये का जगह पर 50 रुपये भी लेता है। तो इसके लिए इसको लेकर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? अब सर एक आदमी का आवाज़ उठाने से तो नहीं होगा, अब पूरा यहाँ का जनता बोलेगा तभी तो कुछ होगा, एक आदमी को उठाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव है, क्या सोचकर वोट देने जाएंगे जी? में क्या रहेगा बात जी? हम लोग का क्या सोच के, यही सोच के वोट देने जाएंगे कि जहाँ हम लोग आगे कुछ यहाँ का सरकार कुछ करेगा हम लोग के लिए, तरक्की हो, इस सोच के वोट देने जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? दुनाथ कुमार। आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या सोच, दुनिया से जो हम भी सोचूंगा। अच्छा, सुबह में किसकी सरकार बनते देखना चाह रहे हैं आप? अब कैसे बताऊं, अभी तो चुनाव हो रहा है। आपकी पर्सनल राय क्या है, आप क्या क्या चाहते हैं? राय कोई नहीं है। अच्छा, अभी राय नहीं है। जो देगा बिहार वाला वो भी हमें देगा। अच्छा, समस्या क्या क्या दिखती है आपके क्षेत्र में? दिक्कत तो बहुत तरीके का है। अच्छा, बहुत तरीका दिक्कत। जैसे कुछ बताइए। क्या बताऊँ, दिक्कत तो बहुत है यहाँ पर। कुछ गिनाइए दो चार हम क्या सुनाऊँ, कुछ नहीं। चलिए, समस्याएं हैं लेकिन बताने के मूड में नहीं है। चाची कहाँ से आ रहे हैं आप? जाएगा बेतिया जिला। बेतिया जिला जाएगा बटे? यहाँ अरेराज पहली बार आयल बानी कि पहले भी आ रही है कभी? ना, हमने आयल बानी से कोको हाला। क्या बोला? अच्छा, पहले जन अरेराज पहले रहे और अभी दोनों में बदलाव भेल बा कि पहले ही जैसन बा? पहले ही सब आई जा। अच्छा, पहले जैसन बा। अच्छा, चुनाव आ गेल बटे, वोट देवे के बटे, कैसन विधायक चाहिए, कैसन विधायक होके चाहिए अपने के समझ से? अब कैसन विधायक ठीक का का परेशानी बा, राशन उशन मिला ले? हाँ, हमने के राशन मिला ला, हमने के कोतराहा में पानी, हमने के कोतराहा घर बा, वहाँ सब कुछ सही बा। हाँ, ये सब कुछ सही बा। वोट देवे जाए के बाटे नू? हाँ, वोट देवे जाए के बा। ठीक बाटे, आइए कुछ और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? भरत भूषण द्विवेदी। भरत भूषण जी, किस तरह की सरकार चाह रहे हैं आप सूबे में? सरकार कोई भी हो, यहाँ जनता का जो भी समस्या है उसका निवारण कभी नहीं होता है, और अभी तक जो मोदी जी हुए, नरेंद्र मोदी, तो विकास तो उनके समय में दिखा, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं वो डायरेक्ट मोदी जी के पार्टी के होते, ये गठबंधन और ये सब वो अपने मनमर्जी काम करते हैं। जैसे यूपी उदाहरण के तौर पर मैं आपको यूपी का दिखाना चाहूँगा, योगी जी हैं और पहले अखिलेश और बहुत सारे हुए नेता, अभी जो विकास हुआ है यूपी का वैसा बिहार का कभी अभी लग रहा है कि आगे 10-15 साल तक भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो यहाँ जनता भी चाहती है कि मोदी जी का सरकार, क्योंकि लॉकडाउन में यहाँ एक मनुष्य का एक जानवर के तरह दुर्व्यवहार किया गया है, और बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है यहाँ, सबसे बड़ी समस्या जिसके चलते लोगों को तो कौन लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेरोजगारी को दूर कर देंगे? देखिए, यहाँ मोदी जी का अगर पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हुआ, नहीं अभी भी उनकी उनकी ही गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गठबंधन के हैं लेकिन ये करते हैं अपने मन मर्जी ही हैं। तो आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदले लेकिन एनडीए की ही सरकार हो? जी, मुख्यमंत्री दूसरा देखना चाहते हैं जी? चलिए, ये है मुख्यमंत्री का चेहरा, दूसरा देखना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि सरकार एनडीए गठबंधन की ही बने। एक मिनट आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज जी? आप कौन से विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं आप? क्या विधानसभा क्षेत्र कौन पड़ी अपने के? हम यहाँ के ना है, कहाँ के हैं? हमारे घर रहने का ये गायघाट बा। गायघाट, तो अपने बिहार के बानी नू, बिहार में चुनाव बटे, केकर सरकार देखे के चाहिए अपने, कौन पार्टी के? क्या हमें पता नहीं है क्या कर दिया ही। आपका शुभ नाम क्या है? हमने घर है ना बड़ी दूर बा। कहाँ घर कहाँ बा? बटे नौतन थाना। नौतन थाना बटे।
का परेशानी बा वहाँ अपने के विधानसभा क्षेत्र में? हमने के परेशानी बा जब गरीब के कोई ने के पूछो तो धनी के घर बा तो धनी के घर बनता, गरीब के पूछ के घर बा तो घर नहीं के मिलत जी। का चाहता नहीं अपने? हमने के चाहते हैं जो हमने के गरीब के पालन को घर बनो तबे न रहुआ के हमने के पालन करम स ये न चाहता नहीं स। अपने का लगा था कि सरकार बनी तो अपने के समस्या का समाधान हो जाए? अच्छा जकरा भाग नसीब में हो से तो बनबे करी, गरीब तो जा दुनिया दीता उ तो एतिबा तो दियबे करी। कुछ और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? जोखन शाह। जोखन शाह जी, किस तरह की सरकार चाहते हैं इस बार आप? सरकार ऐसा हो कि जो हर किसी की भलाई में के बारे में सोचे। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की मुख्य रूप से? समस्या है दो चार बताइए। दो चार ऐसे है कि यहाँ कोई नाली का सुविधा नहीं है, और उसके बाद भी जो भी यहाँ कैंडिडेट जो है सो अपने फायदे के लिए है, कोई पब्लिक के फायदे के लिए नहीं होते। आपके समझ से जो भी कैंडिडेट हैं उनमें सबसे बेहतर कौन है जिनको आप समर्थन दें? फिलहाल तो बीजेपी है। चलिए आपका शुभ नाम क्या है? राजेश कुमार तिवारी। राजेश जी, किस तरह की सरकार देखना चाह रहे हैं आप? जो बिल्कुल गरीबों की मदद करे और हमारी भलाई को देखे, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। तो कौन होंगे यहाँ से विधायक जो गरीबों की मदद करेंगे और आपकी भलाई करेंगे? आपके समझ से आप अपनी पर्सनल राय बताइए। पर्सनल राय तो हमारे तरफ से बीजेपी को ही जाता है जी। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं दिख रही हैं हमको। आपका शुभ नाम क्या है? रानी देवी। रानी जी, कहाँ? यही इसी विधानसभा क्षेत्र में आपका घर पड़ा जी। क्या समस्या है यहाँ पे, मुख्य रूप से समस्या क्या क्या दिखती है आपको? मुझे कुछ पता नहीं है, यहाँ पर हम नए नए हैं। नए हैं? अच्छा, कहाँ से आ रही हैं अभी आप? खोरीपाकड़ से। खोरीपाकड़ से आ रहे हैं, यहाँ अरेराज दर्शन करने आए थे जी। सर इससे पहले कभी आए हैं कि नहीं यहाँ पे? आए हैं। अच्छा, पहले जो था और अब जो है, फर्क कुछ बदला है या पहले जैसा ही है? ना, बदला है थोड़ा। पहले से अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? अच्छा हुआ है। पहले से अच्छा हुआ है? अच्छा। बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाह रहे हैं आप? मैं तो अभी कुछ नहीं, उतना मैं घर का नया बेटी पतो है तो उतना अभी नहीं जान रही हूँ। नहीं, बेटी है तो बेटी तो बिहार की ही है, तो इस नाते से क्या चाह रही है, किसकी कौन मुख्यमंत्री बने? जो भी बने अच्छे बने, बाकी अभी तो मैं उतना ख्याल नहीं। धन्यवाद। इस वक्त हम थे बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अरेराज के प्रांगण में। यहाँ से कुछ ही दूरी पे बाबा का मंदिर है। अरेराज यानी गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से अभी आप देख रहे थे कार्यक्रम चुनाव चौपाल। कैमरामैन नंदन के साथ रणधीर कुमार, एचटीवी न्यूज अरेराज। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर, जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ एचटीवी न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।